शाखें अगर हरी हैं तो पत्ते भी आएंगे, अगर ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी मैथमेटिक्स 2010 का पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक के क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। हम डिस्कशन शुरू करें उससे पहले आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। आप सबसे पहले, अगर आपने अभी तक 2021, 16, 13 और 11 और 10 इनके सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, इन सभी के सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, बेहतरीन अंदाज में सॉल्यूशंस किए गए हैं। आप करिए, मुझे लग रहा है आपको पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो थम्सअप का बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिएगा शुरुआत करेंगे आज के इस वैल्यूएबल सेशन का। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 3 और ए को एंगल ए इक्वल टू 60 दिया गया है। तब हमसे कह रहा है कि समीकरण जो सी है, यानी कि सी समीकरण का मूल होगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे cos 60 लगा देना है ना। सी साइड नहीं दी गई है तो cos 60 मतलब कि cos a है ना, पहले cos a का फॉर्मूला ले लेते हैं। तो cos a इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये जो एंगल होता वही साइड माइनस में चली जाती है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc है ना। सारी वैल्यू रखिए, cos 60 है ना, cos 60 का मान रखोगे इधर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि 9 प्लस सी स्क्वायर नहीं है माइनस का ए स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2b की वैल्यू 3 है और ये सी हो जाएगा है ना। चलिएगा वैल्यू रखेंगे, cos 60 की वैल्यू यहीं पे रख देते हैं 1/2 है ना, cos a की वैल्यू 60 यानी कि ये रख दो, काट दिया हमने है ना। ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 3c इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस के 7 है ना, उसको उठा के उधर ले लो, ये 3c है ठीक है। सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस का 3c माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर माइनस का 3c है ना, माइनस के 3c, ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा है ना, 51 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, या 52। क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे पूछा गया कि साइन स्क्वायर थीटा का आवर्त काल क्या है ना, इसका हमसे पीरियड पूछा गया है। चलिएगा एक बात हमें याद रखेंगे यहाँ पे है ना, देखिएगा जब भी कभी हमारे पास क्या हो, एक तो हो साइन की पावर nx का फॉर्मेट हो कोई, या कॉस की पावर में nx का फॉर्मेट हो है ना, n एंगल में x है ठीक है, फिर और उसके बाद sec हो जाए है ना, sec आ जाए, शेक एन एक्स ये फॉर्मेट हो, और कॉस एक्स हो है ना, साथ में कॉस एक्स की पावर एन एक्स हो, अगर ये फॉर्मेट हमारे पास होता है तो इसका जो पीरियड होता है ना, डिपेंड करता है एन की वैल्यू पे। जो एन है, अगर एन क्या है, एक तो कंडीशन होगा कि यहाँ पे सम होगा, कोई सम संख्या होगी, एक कंडीशन होगी कि एन क्या हो, विषम संख्या हो है ना, एक कंडीशन होगी कि सम संख्या हो और एक क्या होगी, विषम संख्या हो। जब एन विषम संख्या होगी तो पाई होगा, क्या होगा, 2π होगा। अगर n विषम संख्या है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, 2π, और n एक अगर सम संख्या है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, पाई। तो देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो साइन स्क्वायर का जो आवर्तकाल होगा वो कितना होगा, पाई होगा। कितना होगा भाई है ना, तो इसमें देखो साइन स्क्वायर थीटा ना, ये क्या है, एक सम संख्या, अगर सम संख्या है इसलिए आवर्तकाल क्या होगा, इसका पाई होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा कुछ बातें हैं जो हमें और ध्यान रखनी है, ये तो हो गया साइन के पास, साइन की पावर एन एन थीटा है ना, कॉस की पावर एन थीटा, सेक की पावर एन एक्स जो भी है ये था है ना। लेकिन अगर हमारे पास हो टैन है ना, क्या हो, टैन की पावर एन एक्स, या होता कॉट की पावर एन एक्स है ना, इनमें से अगर कोई भी हो, अब चाहे यहाँ पे n की वैल्यू सम हो है ना, सम हो या विषम हो, यानी कि इवन हो या ऑड हो, कुछ भी हो, इसका हमेशा जो पीरियड होगा वो कितना होगा, पाई होगा। सम विषम से कोई मंडी मतलब नहीं, यहाँ पे पीरियड कितना होगा, पाई होगा। अच्छा एक बात और देखेंगे यहाँ पे हम लोग, देखिए कि अगर मान लीजिए कि हमें ये दिया जाए, कुछ बातें हैं जो हमें याद रखना है ना, ये दिया जाए मॉडुलस साइन एक्स या मॉडुलस कॉस एक्स, या फिर दे दिया जाए मॉडुलस सेक एक्स दे दिया जाए है ना, टैन एक्स मान लो हो गया, या दे दिया जाए मॉडुलस कॉट एक्स,
या दे दिया जाए मॉडुलस sec x या cos sec x, है ना, कोई भी आ जाए मॉडुलस में, है ना, कोई, देखो सभी सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं यहाँ पे, इनका जो पीरियड होगा हमेशा, है ना, इनका जो पीरियड होगा वो पाई होगा, इनका पीरियड पाई होगा। देखो यहाँ पे इन वाले में अगर वैल्यू प्लस की थी, है ना, सॉरी एन की वैल्यू सम थी तब पाई था, टेन का पाई था, है ना, और यहाँ पे मॉडुलस का इनका सबका क्या था, पाई था। अच्छा, अब अगर मान लीजिए इस टाइप का कुछ आ जाए, मॉडुलस साइन एक्स प्लस मॉडुलस कॉस एक्स, है ना, या आ जाए मॉडुलस टेन एक्स प्लस मॉडुलस कॉट एक्स, या आ जाए मॉडुलस सेक एक्स, है ना, सेक एक्स प्लस कॉफ एक्स, है ना, ये आ जाए, ठीक है, ये मॉडुलस, दोनों मॉडुलस में है। अगर इनके बात होती कि इनका पीरियड क्या होगा, तो इनका जो सबका पीरियड होगा, है ना, इनका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, पाई बाई टू होता है। कितना होता है इनका पीरियड, इनका पीरियड होता है पाई बाई टू, है ना, ये बातें ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये, है ना, इनको याद रखेंगे। अगर मान लीजिए कि सिर्फ मॉडुलस साइन एक्स या कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स पूछा जाए तो पाई होता है, ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करेंगे। अगला कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया गया है ए स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस, अच्छा हमें क्या करना है, कॉस सी बाई टू का यहाँ पर रख देना है। देखो कॉस सी बाई टू क्या होता है, रूट एस माइनस ए बटा बी सी, है ना, तो अब चूंकि लगा क्या स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट तो हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो देखते हैं क्या बचेगा, ए इंटू बच जाएगा, फिर एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई सी है ना, तो जो बची हुई साइड है दोनों वो आ जाएंगे इंटू में, प्लस यहाँ पे हो जाएगा सी इंटू, इसी तरह से ये हो जाएगा एस एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा ये थ्री बाई थ्री बी बाई टू, है ना, थ्री बी बाई टू। चलिएगा इस सी से इस सी को काट दीजिए, इस ए को इस ए से काट दीजिए, ना बी एल सी एम आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस सी एस स्क्वायर माइनस ए एस, है ना, तो ये क्या हो जाएगा टू एस स्क्वायर हो जाएंगे, टू एस स्क्वायर माइनस का सी एस माइनस का ए एस डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू थ्री बी बाई टू, है ना, थ्री बी बाई टू। अच्छा अब देखो यहाँ पे टू एस स्क्वायर दिया गया है, हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे, टू एस स्क्वायर माइनस एस, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा ए प्लस सी, है ना, एस हमने कॉमन ले लिया, ए प्लस सी आ जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं फिर से, और बाई बाई टू है, बाई बी रहने दीजिए, और बराबर में दिया गया है थ्री बी बाई टू। अब एक काम करते हैं, हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है टू एस, है ना, क्या होता है टू एस, टू एस, तो यहाँ से ए प्लस सी बराबर निकल के आएगा टू एस माइनस का बी, टू एस माइनस का बी। चलिएगा टू एस स्क्वायर माइनस का एस, ये कितना हो जाएगा टू एस माइनस का बी डिवाइडेड बाई हो जाएगा बी, है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री बी बाई टू। चलिएगा अब यहाँ करते हैं, इधर थोड़ा सा देखिएगा, टू एस स्क्वायर से टू एस स्क्वायर कट जाएगा और प्लस का बी एस ऊपर बचेगा, प्लस का बी एस बचेगा, इक्वल टू में कितना है भाई, ये है थ्री बी बाई टू, है ना। एक काम करेंगे, बाई डिवाइड में बी है तो बी से बी काट दीजिए, एस की जगह पे हम रख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा थ्री बी बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया, है ना। अब बी उधर घटा दीजिए, ए प्लस सी बराबर कितना आ जाए टू बी, और टू बी बराबर ए प्लस सी कब होता है, जब ए बी सी किसमें होते हैं, ए बी सी डॉट डॉट इन ए पी, है ना, किसमें होते हैं ए पी, यानी कि समांतर श्रेणी होगी, यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर कह रहा है कि सम्मिश्र संख्या, है ना, का कह रहा है कंजुगेट जो है, यानी कि वन माइनस वन बाई वन माइनस आई का कंजुगेट, यानी कि अगर ये कंजुगेट है तो सम्मिश्र संख्या क्या रही होगी। देखो सम्मिश्र संख्या से कंजुगेट निकालना हो या कॉम्प्लेक्स नंबर से कंजुगेट निकालना हो या कंजुगेट से कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालना हो, हमेशा आपको क्या करना होता है, आई को रिप्लेस कर देते हैं माइनस आई से, आई को रिप्लेस कर देते हैं हमेशा किससे, माइनस आई से। चलो करो यहाँ पर रिप्लेस, यहाँ पर दिया गया है वन बाई आई माइनस वन इज इक्वल टू, अब क्या करना है आपको, आई की जगह पे माइनस का आई रख देना है, बस वन बाई नीचे से माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा आई प्लस वन, है ना, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है भाई,
तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, आई इज इक्वल टू माइनस आई रख देंगे तुरंत निकल जाएगा, है ना, तीसरा ऑप्शन 54 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 में हमें निकालना है इसका रियल पार्ट, है ना। पहले तो साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ पे लिखा हुआ साइन एक्स प्लस आई वाई, साइन एक्स प्लस आई वाई, तो साइन ए प्लस बी से ही टूटेगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे, साइन एक्स कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स इंटू साइन आई वाई, आप देखिएगा समझिएगा इसे, है कुछ नहीं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, अच्छा कॉस हाइपर कॉस आई वाई जो होता है डायरेक्ट किसके बराबर होता है, कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस, ये तो कॉस एक्स ही रहेगा और ये होता है आई साइन हाइपरबोलिक वाई के बराबर, आई साइन हाइपरबोलिक वाई के बराबर। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट जिसमें आई ना हो, तो ये हो जाएगा हमारा रियल पार्ट, है ना, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, क्या साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ओ वृत्त का केंद्र है, एक वृत्त दिया गया है हमें, है ना, वृत्त बना लेते हैं, कह रहा है एक वृत्त है ना, इस बार बना देंगे जैसा भी बनेगा, ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है, चलो ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी एक जीवा है, है ना, ए बी एक जीवा है, ए बना दिया हमने, ए बी एक जीवा, ए बी, और कह रहा है ए सी एक स्पर्श रेखा है, ए सी एक स्पर्श रेखा है, सी किधर है अभी हमें डिसाइड नहीं करेंगे, एंगल रखने पर डिसाइड होगा, कह रहा कि कोण बी ओ ए, बी ओ ए यहाँ पे दिया गया है, कोण बी ओ ए हमको दिया गया है, कितना दिया गया है 120, है ना, ये दिया गया हमको 120 डिग्री दे दिया, ए बी सी पूछा है, है ना, बी ए सी तो सी इधर ही होगा, ये एंगल हमसे पूछा गया है, तो देखो अब हम आपको बता दें इस एंगल का रिलेशन डायरेक्ट होता है इस एंगल से, लेकिन बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये और ये, है ना, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बना एंगल, यानी कि ये वाला एंगल, त्रिज्या सॉरी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में बना एंगल अपने एकांतर वृत्तखंड में बने एंगल के इक्वल होता है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, और देखो यहाँ पे ये कितना है, सेंट्रल में बना एंगल कितना है, एक ही चाप से दोनों बने हैं, इस चाप से ए बी से, ए बी चाप के द्वारा, ए बी चाप के द्वारा ए ओ बी जो है एंगल बना है कहाँ पे, सेंट्रल पे, है ना, यानी कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू जो कि डबल होता है किसके, मान लो कि ये यहाँ पे डी बना हुआ है, किसके होगा भाई, ए डी बी के डबल होगा ना, केंद्र में बना कोण परिधि में बने कोण का दूना होता है, है ना, तो ये 120 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे ए डी ए डी बी, है ना, ए डी बी काट दो इसे, ये 60 डिग्री आ जाएगा, ए डी बी इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, है ना, फिर देखो यहाँ पे मैंने बता दिया कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बना कोण अपने एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है, यानी कि देखो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बना कोण ये है और ये एकांतर वृत्तखंड है, देखो यहाँ पे एकांतर वृत्तखंड ये वाला है ना, दो वृत्तखंड है, तो एकांतर वृत्तखंड जो होगा हमारे पास ए डी बी है ना, वो एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए डी बी है ना, ए डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ए सी, अब बी ए सी कितना दिया गया भाई, बी ए सी निकालना है, ये 60 दिया गया है, एंगल बी ए सी, बी ए सी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चलिएगा 57 देखेंगे, कह रहा दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी, जब भी अंतः स्पर्श करने की कंडीशन होगी, है ना, किसकी, अंतः स्पर्श करने की, अंतः स्पर्श करने की शर्त, करने की शर्त क्या होगी भाई, वो होती है केंद्रों के बीच की दूरी, ओ ओ डैश या लिख दो C1 C2, है ना, केंद्रों के बीच की दूरी
और त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है ना। बाहता स्पर्श करते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है, और जब अंतः स्पर्श करते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। तो देखो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, 3 = 2 है ना। बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो छोटे वृत्त की हमसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 3 - 5 = -r2, तो r2 बराबर हो जाएगा 2 है ना, कितना हो जाएगा भाई 2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, r2 बराबर कितना 2 सेंटीमीटर। चलिएगा 58 देखेंगे, 58 यानी कि 58 में कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि एक वक्र के लिए बिंदु PX, Y से खींचा गया अभिलंब x अक्ष से G पर मिलता है। तो देखिएगा पहले फिगर बना लेते हैं, है ना। चलो मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पे कर्व है ना, ये यहाँ पे कर्व है और x अक्ष पे कोई अभिलंब यहाँ से खींचा गया है, x अक्ष पे कोई अभिलंब खींचा गया है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है PX, Y, कह रहा से खींचा गया अभिलंब, से खींचा गया अभिलंब x अक्ष से G पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है ये, यहाँ पे G पर मिलता है, और इसे मान लेते हैं यहाँ पे O ले लो, है ना, O ले लो। अच्छा तो ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट P है कितना X, Y, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी X, ये कितनी हो जाएगी X हो जाएगी। अच्छा यानी कि इस फिगर में OG = कितना हो जाएगा, ये X हो गई है ना। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है भाई, प्रश्न कह रहा है कि भुज का दोगुना है, यानी कि जो G से मूल बिंदु की दूरी है P के भुज से दोगुनी है। तो देखो ये भुज कितना है, यहाँ पे भुज जो है अभी X है ना, P का भुज, भुज कितना है X है, P का जो भुज है वो X है, लेकिन वो कह रहा है इसकी दोगुनी है, यानी कि OG = कितनी है भाई 2X है, OG = कितनी है 2X है। चलिएगा अब अभिलंब का समीकरण निकाल देते हैं, है ना, है ना, इस अभिलंब का समीकरण निकालो, अभिलंब का समीकरण। देखिए अभिलंब का समीकरण कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे कैपिटल Y लेंगे, है ना, कैपिटल Y लेंगे, रेखा का हमारे बिंदु है वो Y - small y, है ना, ये स्मॉल Y है ना, = अभिलंब है चूंकि, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का dx dy, फिर कैपिटल X - small x हो गया। अब देखो चूंकि बिंदु कहाँ पे है, G पर है, G पे है, x अक्ष पे है बिंदु, जब x अक्ष पे क्या होता है Y = 0 होगा, x अक्ष पे क्या होगा कैपिटल Y जो है हमारा वो क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, चूंकि जो ये है ना बिंदु x अक्ष पर है, कहाँ पे है, क्योंकि बिंदु बिंदु x अक्ष पर है, अक्ष पर है, इसलिए क्या होगा Y = 0 होगा। तो यहाँ पे रख दीजिए Y = 0, कैपिटल Y 0 होगा, तो ये माइनस का Y = आ जाएगा माइनस का dx dy * X - x, है ना। अब यहाँ से एक काम करो, कैपिटल X की वैल्यू निकाल लो, है ना, कैपिटल X की वैल्यू निकालिए, यहाँ से देखो कैपिटल X क्या आ जाएगा, कैपिटल X आ जाएगा, हमें क्या करना है सारे पलट देना है, इधर भेज देना, तो ये Y dy dx हो जाएगा। पहले तो माइनस से माइनस काट दो, माइनस से काट दोगे तो ये आ जाएगा Y dy dx + x। अब देखो बिंदु G के जो निर्देशांक हो जाएंगे, है ना, किसके, जो G के निर्देशांक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे Y dy dx + x, यानी कि ये क्या हो जाएगा X का वैल्यू हो जाएगा, Y यहाँ पे 0 है, तो ये G के बिंदु निर्देशांक निकल आए। अब देखो भाई जो X वाला भुज होगा OG के = ही तो होगा, ये क्या है OG ही तो है, है ना, OG ही तो है, भुज ही तो है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा OG = कितना आ जाएगा Y dy dx + x। OG रखो कितना है 2X = Y dy dx + x, है ना। अब एक काम करो घटा दीजिए इसे, तो कितना आ जाएगा X dx = आ जाएगा Y dy, फिर X² / 2 = Y² / 2 और +C, है ना, +C हो जाएगा, फिर
एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस का वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी। और ये किसकी फॉर्मेट होती है? ये होती है हाइपरबोला यानी कि अतिपरवलय, है ना, हाइपरबोला यानी कि अतिपरवलय। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमसे पूछा है तो वक्र किस प्रकार का होगा, वक्र क्या होगा, तो वक्र क्या होगा यहाँ पे? हाइपरबोला होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एक परवलय चित्रित करेगा। तो परवलय कब निरूपित करता है? एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल्टा जो होगा वो नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, और क्या हो, एच स्क्वायर बराबर ए बी हो, तो क्या निरूपित करेगा, परवलय निरूपित करता है, है ना। एच स्क्वायर बराबर ए बी हो तो परवलय निरूपित करेगा, है ना। अगर ये क्या होगा, इस कंडीशन पे परवलय होता है, है ना। एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, है ना, क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है अगर, तो इसका मतलब ये क्या है, अति परवलय बताएगा, अति परवलय। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो है, है ना, छोटा है, तो क्या होगा, तब दीर्घवृत्त होगा, है ना, तब क्या होगा भाई, दीर्घवृत्त होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, जीरो नहीं, एक्स, है ना, जीरो तो वो होता है, ठीक है। अगर ये क्या है भाई, ये हाँ, तो क्या होगा, अति परवलय होगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है भाई, वो क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो है, है ना, यानी कि एच स्क्वायर बराबर ए बी है, तो ये परवलय होगा इस कंडीशन में, है ना, परवलय होगा, चलेगा। नेक्स्ट देखेंगे 60। क्या टेन इनवर्स एक्स दिया गया है, डिवाइड एक्स पूछा गया है। अब आपको देखो यहाँ पे 2x दिया गया है, है ना, x की जगह पे अगर हम tan थीटा रख दें, x की जगह कितना रख दें, tan थीटा, तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। रखो इस y में, क्या रखना भाई, ये रखना है x की जगह पे tan थीटा, tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा टेन इनवर्स ये टेन टू थीटा हो गया, टेन से टेन हटा दीजिए, है ना, कितना आ जाएगा, टू थीटा हो जाएगा। टू इंटू थीटा की जगह पे कितना रखा जा सकता है, टेन इनवर्स एक्स, टू इंटू, देखो अब इसका करो आप डिफ्रेंसिएशन, वाई डैश निकाल दो, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया, टू अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ना, 60 में पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 में हमसे कहा है कि यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी दिया गया है तो इसकी रेडियस क्या होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे रेडियस तो वही होती है, अंडर रूट स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है वहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस समय हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एफ स्क्वायर सॉरी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखो यहाँ पे एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, सी के बराबर है, है ना, तो यहाँ पे सी रख दीजिए, तो ये सी माइनस सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, जीरो। अब एक ऐसा हमारे पास वृत्त आएगा जिसकी त्रिज्या क्या है, शून्य है, है ना, त्रिज्या क्या है, शून्य। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन 61 में सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेडियस इसकी क्या है, शून्य है, है ना। 62 देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62। अच्छा क्वेश्चन है 62, कह रहा है कि 1 बाई, है ना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में त्रुटि थी, इसे ठीक कर लीजिएगा, है ना, 1 बाई बी बी डैश, 1 बाई बी बी डैश, है ना, इज इक्वल टू था ए ए डैश, है ना, 1 बाई ए ए डैश, ये था, ये हमें दिया गया था, तो हमें निकालना क्या है कि ये लाइन पैरेलल है या इन दोनों लाइन के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है या दोनों परपेंडिकुलर हैं या फिर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें पता है कि पहले इसकी प्रवणताएँ निकाली जाएँ, है ना, पहले क्या किया जाए, इसकी प्रवणताएँ निकाली जाएँ। देखो पहले वाली रेखा की प्रवणता निकालो, इस रेखा की हम अगर प्रवणता की बात करें, है ना, इसकी प्रवणता की बात करें, एम वन बराबर आ जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक माइनस वन बाई ए डिवाइडेड बाई, नहीं नहीं यहाँ तो कुछ नहीं होता, वन बाई बी, है ना, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, कितना आ जाएगा ये, माइनस का बी बाई ए। और अगर हम
इसकी प्रवणता की बात करें यानी कि m2 की बात करें तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस का x का गुणांक बटे y का गुणांक b डैश, है ना, यानी कि माइनस b डैश डिवाइडेड बाई a डैश। अब देखो m1 भी आ चुका है और m2 भी आ चुका है, दोनों आ चुके हैं। हम समांतर वाली कंडीशन अगर चेक करेंगे तो देखो दोनों बराबर नहीं आएंगे, आएंगे भी तो वहाँ दोनों बराबर आएंगे लेकिन वहाँ से कुछ निकलेगा नहीं, है ना। ये अगर जिससे ये शर्त आ जाए, जिस कंडीशन को रखने पे ये शर्त आ जाए वही होगा। तो पैरेलल में तो मुझे लग रहा आएगा नहीं, m1 बराबर m2 कितना आ जाएगा भाई, माइनस में हट जाएंगे, ए बी डैश बराबर आ जाएगा ए डैश बी, है ना, ए बी डैश बराबर आ जाएगा ए डैश बी। देखो चाहे तो पैरेलल वाली करके देख लो, कितना हो जाएगा भाई, भाई अगर दोनों प्रवणताएं पैरेलल हैं तो दोनों प्रवणताएं क्या होंगी, है ना। पहली कंडीशन के लिए देखो, इस कंडीशन के लिए देखो कब, तो कितना आ जाएगा m1 बराबर m2 होता है, m1 रखो यहाँ पे, कितना आ जाएगा माइनस का b डैश a डैश, वो m1 उधर है ना, ये m2 था इधर, ये आ जाएगा b डैश b बटा a, है ना, माइनस है तो माइनस को भी लगा लो, तो माइनस माइनस तो हट जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा a डैश b बराबर ए बी डैश, ए डैश बी बराबर ए बी डैश, है ना। तो यहाँ से तो भाई ऐसा कुछ है नहीं, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं दोनों में, है ना, प्लस आएगा भाई इधर आएगा तो माइनस में आ जाएंगे, तो कोई संभावना नहीं है ना। अब देखिएगा मतलब कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं होगा, हम अभी दूसरे की ट्राई मत करें, है ना, पहले में एक बार तीसरा देख लें, इसमें संभावनाएँ ज़्यादा हैं। दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, माइनस का वन, है ना, इस कंडीशन के लिए दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होना चाहिए, माइनस का वन। तो निकालो यहाँ पे, एम वन कितना दिया गया, ये दिया गया है बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम उसको टेंशन उसकी छोड़ रहे हैं, और ये ए डैश इज इक्वल टू माइनस का वन, ये कितना आ जाएगा बी बी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का ए ए डैश, है ना, माइनस का ए ए डैश, माइनस का ए ए डैश, माइनस का ए ए डैश। अब देखिएगा ये 1 बाई आ जाएगा ए ए डैश इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई बी बी डैश, इधर ले आओ 1 बाई ए ए डैश प्लस 1 बाई बी बी डैश, 1 बाई बी बी डैश इज इक्वल टू जीरो, है ना। कौन सी कंडीशन से आया ये, देखो यहाँ पे सेम आ गया है हमारे पास, है ना, ये आ गया है। अगर ये आ चुका है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, है ना। कैसे हैं दोनों परपेंडिकुलर की बात हो रही है, आपस में क्या है ये लंबवत हैं, है ना, क्या है लंबवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63। देखो यहाँ पे 63 में एक बात आपको बता दें, है ना, समझिएगा 63 अगर हम बात करें मॉडुलस a टू b, है ना, f x डी एक्स, जो ये होता है हमेशा क्या होता है लेस देन इक्वल टू होता है किसके, इंटीग्रेशन लिमिट a टू b, a टू b f x dx इसके इक्वल टू होता है। अब देखिएगा यहाँ पे देखेंगे इसे, है ना, ये इक्वल होता है तो अब क्या करें, हमें हमें यहाँ पे निकालना है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई मॉडुलस साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब क्या बताया गया, ये किसका होगा, मॉडुलस लगाया जा सकता है, यानी देखो यहाँ से ये वाला जो है इसके इक्वल है, तो हम क्या कर रहे हैं इस सेकंड वाले को पहले ले लिए और इसको बाद में ले लिए, है ना, हम चाह रहे हैं ये 0 टू पाई, है ना, कितना है 0 टू पाई, 0 टू पाई हो जाएगा और मॉडुलस बाहर चला गया, ये कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और डी थीटा, मॉडुलस को हमने क्लोज कर लिया, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको एक काम करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम गामा फंक्शन बना सकें, है ना, क्या कर सकें, गामा फंक्शन बना सकें, तो एक काम ये करेंगे, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, हो गया आसान हो गया। अब देखिएगा ये कितना आ जाएगा भाई, ये तो 2 रहेगा। अब देखो गामा m प्लस 1, गामा गामा m प्लस 1 3 प्लस 1, फिर गामा n प्लस 1, तो n की वैल्यू है 0 प्लस 1, तो ये देखो बाई 2 भी होता है यहाँ पे, बाई 2 भी होता है, बाई 2 और बाई 2, है ना, डिवाइडेड बाई पूरे के डिवाइडेड बाई 2 इंटू गामा गामा, है ना, गामा m प्लस n, m कितना है 3 है, प्लस n कितना है 0 है, प्लस 2 और बाई 2, है ना, गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2, ये हो गया। अब देखो मॉडुलस को लगा दीजिए, मॉडुलस को लगा दीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 बचा गामा 2, है ना, ऊपर कितना बचा गामा 2,
और वहाँ पे देखो गामा 1/2 बचा है, गामा 1/2, चलो गामा 1/2 हो गया डिवाइडेड बाई, नीचे देखो हो जाएगा गामा, नीचे कितना हो जाएगा गामा 5/2, 5/2 को क्या लिखोगे 3/2 + 1, तो कितना आ जाएगा ये, यह आ जाएगा 3/2 और गामा 3/2। फिर से हम क्या करेंगे 3/2 को रहने देंगे और इसे क्या लिखेंगे गामा 1/2 + 1, गामा एन प्लस वन होता है एन गामा एन, है ना, ये बात याद रखेंगे, गामा एन प्लस वन जो होता है वो किसके बराबर होता है एन गामा एन के, एन गामा एन के, तो ये 3/2 × 1/2, फिर से गामा 1/2 आ जाएगा वो गामा 1/2, है ना, गामा 1/2 रख लेते हैं यहाँ पे, कितना आया इसका वैल्यू, एक तो आ गया 3/2 गुड़े, फिर कितना है 1/2 और फिर कितना है गामा 1/2, तो गामा 1/2 से गामा 1/2 कैंसिल हो गया, है ना, दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिएगा ऊपर क्या है लिखा हुआ है गामा 2, तो गामा n जो होता है ना हम उसे लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो गामा 2 कितना हो जाएगा 2 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि ये हो गया 1 फैक्टोरियल, यानी कि वैल्यू आ गई इसकी 1, है ना, ये आ गया 1 इंटू नीचे कितना हो जाएगा 3/4, है ना, ये कितना बन जाएगा, अब बन जाएगा गामा 4/3, मॉडुलस को हटा सकते हो आराम से, 4/3, है ना, कितना आ गया 4/3, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, है ना, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि fx जो दिया गया है, ये पूरा फंक्शन दिया गया है, कह रहा बी कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब देखिए कभी भी कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उस फंक्शन की, है ना, जिस पे कहा जाए x इज इक्वल टू a पे जो वैल्यू होती है उसकी लिमिट के इक्वल टू होती है, है ना, फंक्शन की लिमिट के इक्वल टू होती है तभी क्या होता है वो कंटिन्यूस होता है, है ना, एफ ए, यानी कि यहाँ पे a की जगह पे क्या दिया गया है पाई बाई टू, यानी कि f पाई बाई टू, फंक्शन ऑफ पाई बाई टू और उसके बाद लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, फंक्शन हमारा दिया गया है 1 - का फाइन x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x, है ना, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, पाई बाई टू पे वैल्यू दी गई है कितनी है k दी गई है, k इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे अगर हम अभी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगी 0/0 फॉर्म, है ना, ये हो जाएगी 1 - 90, यानी कि वन माइनस वन बट्टे, और यहाँ पे पाई बाई टू रखेंगे तो पाई माइनस पाई 0/0 फॉर्म बन जाएगी, मतलब कि हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, करिए लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का साइन एक्स क्या बन जाएगा भाई कॉस एक्स बन जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 0 बन जाएगा और ये माइनस का 2 बन जाएगा। अब हम क्या करें लिमिट अप्लाई कर दें यहाँ पे, है ना, लिमिट क्या कर दें अप्लाई कर दें, चलो लिमिट को अप्लाई करके देखते हैं कितना आ जाएगा भाई k इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई कर दो 0/0 फॉर्म तो बनेगी नहीं, है ना, ये आ जाएगी माइनस का cos 90, अब बटा में आ जाएगा कितना माइनस का 2, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 0 आ गया, कितना आ गया 0, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 देखेंगे, अब 65 कह रहा है के किस मान के लिए, है ना, अब देखो कह रहा है के किस मान के लिए, ये और ये का मासा जो है x+4 है, अब देखो अगर x+4 इसका SCF है ना, तो इसे सेटिस्फाइड करेगा x इज इक्वल टू -4 रखने पर, संतुष्ट करेगा, है ना, क्योंकि है संतुष्ट करेगा, इसका एक फैक्टर है तो इसे संतुष्ट करेगा, करिए, है ना, 9th का क्लास के क्वेश्चन है, 2x² + का kx माइनस का 12 = 0 रखो, इसमें कितना हो जाएगा 2 × 4 = 16 हो जाएगा, माइनस का 4k माइनस का 12 = 0, 16 × 32 माइनस का 4k माइनस का 12 = 0, है ना, 32 घटा दोगे, 32 में घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 20 बचेगा, 20 माइनस का 4k = 0, k = कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे k = 5 दिया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चलेगा। 66 देखेंगे, 66 में करिएगा, इसमें भी मुझे क्लू मिला नहीं, है ना, दरअसल मैं आपको आइडिया दे देता हूँ जनरल, है ना, क्वेश्चन होगा कैसे, देखिएगा कुआं है, ये कुआं दिया गया है, है ना, इसमें कोई कोई मतलब कि कह रहा है कि एक पत्थर को कुएं में गिराया जाता है, इसके छपाक की ध्वनि, तो कोई वस्तु जाती है
टी वन टाइम में अंदर जाएगी है ना, और फिर वापस आएगी इसकी आवाज़। मान लेते हैं कि जो छपाक की ध्वनि आती है वो टी टू, यानी कि टोटल टाइम जो लगेगा हमारे पास वो लगेगा कैपिटल टी इज इक्वल टू कितना लगेगा, टी वन प्लस टी टू, और कैपिटल टी दिया गया है यहाँ पे, कैलकुलेशन करिएगा 11.5 दिया गया है। अब देखो टी वन कहाँ से निकलेगा, हम मान लेते हैं कि इसकी जो हाइट है ना वो कितनी है, एच है ना, कितनी पानी जहाँ तक जहाँ तक पानी है उसकी हाइट कितनी है, एच है, ठीक है। ध्वनि का वेग हमें दिया गया है, तो हमें क्या करना है, टी वन पहले निकालना है ना, हम टी वन निकालें यहाँ से। तो टी वन कैसे निकालेंगे, चूंकि प्रारंभिक वेग से जाएगा तो यू इज इक्वल टू जीरो होगा है ना, तो एच बराबर हो जाएगा क्या, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है ना, हाफ जी टी स्क्वायर, जाते समय टी वन है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा, यू जीरो हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा हाफ, और जी का वैल्यू आ जाएगा कितना, जी का वैल्यू आ जाएगा 10 रखना होगा ना, टी वन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5। यानी से अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ टी वन, तो टी वन बराबर कितना आ जाएगा, टी वन बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 5 बटे में जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट का h बाई फाइव है ना, रूट का एच बाई फाइव। अच्छा अब हम क्या करें, दूसरी कंडीशन में यहाँ से टी टू निकालना, टी टू निकालना है अगर हमें, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो समय बराबर कितना आ जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है h, चाल कितनी है 327 है ना, तो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ये रख देंगे है ना, देखो t1 भी आ गया t2 भी आ गया, तो t1 यहाँ पे रख देंगे रूट h बाई फाइव प्लस, और ये आ जाएगा h बटा 327। अब इन दोनों से आप h का मान निकाल लीजिएगा है ना, जो भी आएगा वही करेक्ट आंसर होगा, चलेगा। 67 देखेंगे, 67 में कह रहा है कि एक पत्थर का टुकड़ा h ऊंचाई की मीनार की चोटी से अंडर रूट है ना। अब देखो यहाँ पे हमें प्रारंभिक वेग दिया गया है, कितना दिया गया है, रूट टू जी एच, वेग से क्षैतिज की दिशा में फेंका जाता है, क्षैतिज की दिशा में फेंका जा रहा, मतलब कि थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। टुकड़ा भूमि पर मीनार के चरण से कितनी दूर पर टकराएगा, कितनी दूर पर टकराएगा हमें यह बताना है यहाँ पे। अब देखिएगा, यानी कि हमें रेंज बतानी है, क्या बतानी है, रेंज, और रेंज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी है ना, यू स्क्वायर साइन टू थीटा है ना, साइन टू थीटा कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, तो ये यू स्क्वायर है ना, एंगल कितना होगा हमारा, ये 90 डिग्री में फेंका जा रहा है टोटल है ना, तो कितना हो जाएगा ये साइन 90 है ना, साइन 90 डिवाइडेड बाई जी है ना, जी, अच्छा यू की वैल्यू रख देते हैं कितनी है, 2gh हो जाएगी, स्क्वायर लगा हुआ 2gh, ये 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई जी है ना, जी से जी काट देंगे कितना आ जाएगा, ये 2h आ जाएगा है ना, कितना आ जाएगा 2h है ना, चलिएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा है ना, क्षैतिज दिशा से फेंका जाता है, ठीक है, मीनार से कितनी दूरी पर टकराएगा, क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है टुकड़ा भूमि पर मीनार के चरण से कितनी दूरी पर टकराएगा है ना, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2h दूरी पर टकराएगा, कह रहा है यू वेग से चलती हुई एक गेंद ए विपरीत दिशा में वी वेग से चलती हुई दूसरी गेंद बराबर डे गेंद से टकराती है, चलिएगा। यहाँ पे हम दो गेंदे लेते हैं, एक गेंद हमारी M है और एक गेंद हमारी, एक गेंद A कह रहा है ना, हाँ एक A कह रहा है, दूसरी क्या कह रहा है B, अच्छा ये दोनों जा रही हैं, एक इधर जा रही एक इधर जा रही है ना, क्या कह रहा है U वेग से चलती हुई गेंद A विपरीत दिशा में V वेग से, तो यहाँ पे देखो ये हमारा U1 है ना, ये क्या है U1, तो ये प्रारंभिक वेग U से चल रही है, और ये है हमारा U2, लेकिन वो माइनस का भी हो जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्शन उसकी कह रहा है चेंज है, हम डायरेक्शन इधर लगा रहे हैं, उस डायरेक्शन कह रहा है विपरीत दिशा में जा रही है ना, क्या करिए विपरीत दिशा में है ना, विपरीत दिशा में हमने कर दिया इसे, कह रहा है कि वी वेग से चलती हुई दूसरी गेंद से सीधी टकराती है, ठीक है, तो ये वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का वी। अब इनका संघट्ट होगा है ना, ये आपस में लड़ेंगे, लड़ने के बाद इनकी फिर से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तब हम मान लेते हैं कि इनकी होगी वी वन और इनकी होगी V2 है ना, इनकी होगी V1 इनकी होगी V2, कह रहा है ए विरामावस्था में आ जाता है संघट्ट के बाद है ना, जब भी इनका कोलिजन होता है तो क्या होता है ए जो है विरामावस्था में आ जाता है, यानी कि V1 की वैल्यू जीरो आ जाती है ना,
चलिएगा, संवेग संरक्षण का नियम लगाइए यहाँ पे, है ना, लाफ कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण के नियम से वो क्या होता है, m1u1 + m2u2 इक्वल टू, है ना, मास दोनों का देखो बराबर है, सभी का मास कितना है, ये भी m मास की है ना, इसका द्रव्यमान जो है m है और इसका द्रव्यमान भी m है, तो ये हो जाएगा m1u1 की जगह पे u है प्लस m2u2, है ना, m तो वही m तो सब में सेम है ना, तो ये माइनस का चूंकि दिया गया, माइनस का v दिया गया, तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू m v1 तो भाई जीरो हो जाएगा, है ना, v1 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस m v2, ठीक है, तो यानी कि यहाँ से v2 इक्वल टू आ गया u माइनस का v, v2 इक्वल टू कितना आ गया u माइनस का v। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे न्यूटन का प्रयोगात्मक नियम, ठीक है, लगा दीजिए न्यूटन के प्रयोगात्मक, है ना, प्रयोगात्मक नियम से, चलिए लगाइए न्यूटन का प्रयोगात्मक नियम, वो क्या कहता है, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e इंटू u1 माइनस u2, है ना, लगा दीजिए। अब देखिएगा v2 माइनस v1, v1 तो जीरो हो गया, यहाँ तो सिर्फ v2 आ गया, v2 इज इक्वल टू e, ये u दिया गया है और ये कितना दिया गया है, माइनस का v दिया गया, तो प्लस का v हो जाएगा, v2 की वैल्यू ऊपर से रख दीजिए, ये हो जाएगा u माइनस का v इज इक्वल टू ई यू प्लस ई वी, है ना, कैलकुलेट करिएगा, यहाँ से निकाल लीजिएगा आप u बट्टा v, है ना, करिए u वाले एक तरफ, v बराबर एक तरफ रखिएगा, तो यह आ जाएगा 1 + e / 1 - e, 1 + e / 1 - e, कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा 69 देखिएगा, 69 क्वेश्चन नंबर 69 भी कुछ इसी टाइप का है ना, एकदम सेम लगभग दिया गया है, तो देखिएगा यहाँ पे भी दोनों के द्रव्यमान अभी भी सेम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ये है संगठ हो रहा है इन दोनों का, ठीक है, एक ही सीध में बना लेते हैं, इन दोनों का संगठ हो रहा है, इसका जो द्रव्यमान है वो भी m है और इसका द्रव्यमान जो भी है m है ना, संगठ से पहले जो इसका वेग है u1 है और इसका जो है वो कितना है u2 है, कितना है u2 है, तो देखिए कह रहा है कि निश्चल है, तो यानी कि इसका वेग जीरो है ना, दूसरा वाला क्या है निश्चल है जो इसी के बराबर है लेकिन निश्चल है, तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और इसके बाद ये होते हैं टकराहट, इनकी शुरू होती है, टकराएंगे तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी और इसकी दिशा इधर हो जाएगी, बदल जाएगी, मान लेते हैं तब इसका वेग v1 हो जाएगा और इसका वेग v2 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप लगा दीजिए संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, m1v1 + m2v2 इज इक्वल टू m1u1 + m1u2, तो m यहाँ पे सभी में बराबर है, तो संवेग संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा m u1 + m u2 इज इक्वल टू m v1 + m v2, m को कॉमन लेंगे दोनों तरफ से, u2 की वैल्यू जीरो रखेंगे, तो ये हो जाएगा u1 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं u, है ना, चलो u1 बराबर u मान लो, u1 बराबर u, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा v1 + v2, समीकरण फर्स्ट। अब लगा दीजिए आप यहाँ पे न्यूटन का प्रयोगात्मक नियम, न्यूटन के प्रयोगात्मक नियम से, है ना, न्यूटन के प्रयोगात्मक नियम से, न्यूटन का प्रयोगात्मक नियम आप लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो होता है v2 माइनस का v1 इज इक्वल टू e (u1 - u2, है ना। अब देखिएगा v2 - v1 को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये e है, e हो जाएगा इज इक्वल टू u1 की जगह पे u है और वो जीरो हो जाएगा ना, यानी कि कहने का मतलब बराबर का eu आ गया है ना, v2 - v1 इज इक्वल टू eu आ गया है, समीकरण एक और समीकरण दो दोनों को हल कर लीजिए, यानी कि ये आ गया v1 + v2 इज इक्वल टू यू, और दूसरा क्या है, ये हो जाएगा v2 - v1, है ना, एक काम करते हैं थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से रखते हैं, यहाँ पे u2 रखते हैं, यहाँ पे v1 रख देते हैं, है ना, चलेगा, या आप एक काम कर लीजिए, रहने दीजिए इसे, v1 u2 पड़ा रहने दीजिए, क्यों अलग अलग करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ से u की वैल्यू निकाल लो, बस इसी में रख दो u की वैल्यू, तो ये हो जाएगा v2 - v1 इज इक्वल टू e(u) ये है v1 + v2, सॉल्व करेंगे दोनों को, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, है ना, यहाँ से आप निकालेंगे दोनों को, v1 v2 का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 - e /
वन प्लस ई, सॉल्व करिएगा है ना, मल्टीप्लाई करिए, वी वन वाले एक तरफ रखिए, वी टू वाले एक तरफ रखिए, तो ये आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 70 कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है। अब देखो इसका विक्रय मूल्य कितना है, 8400, तो विक्रय कर सही था, इसमें विक्रय कर भी ऐड है, तो देखो विक्रय कर पर छपे मूल्य का कितना 5% छपा है, तो मान लेते हैं कि 100 रुपये रहा होगा इसका और क्रय मूल्य है ना, 5% और ऐड हो गया, ठीक है कितना हो गया 5% और ऐड हो गया, तो कितना हो गया होगा 8400, यानी कि 105 रुपये बराबर किसके है 8400 है ना, 105 यूनिट किसके बराबर है 8400 के, काट दीजिए 21 पंचे 105, 21 चौका 84 है ना 84, ये फिर 5 से काट दो 5 8 40 80, यानी कि 1 किसके बराबर है 80 के है ना, तो 100 किसके बराबर होगा, 100 हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर हो जाएंगी 8000 के है ना, कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा भाई, 100 रुपये ये थे, 5 रुपये बिक्री कर लग गया, तो यानी कि 105 बराबर है किसके 8400 के है ना। यह आप निकाल सकते हैं, x ले लो और x का 5% ले लो, बराबर हो जाएगा कितना 8400, तो x की वैल्यू आप तब भी निकाल सकते हैं है ना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 71 में क्या होता है, ये क्षेत्र पूछा, क्षेत्रफल पूछा गया, पाई ए बी होता है, इसे डायरेक्ट याद रखेंगे है ना, फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट ही है ना, इसका फॉर्म क्या हो जाएगा पाई ए बी। 72 देखेंगे, 72 में हमें क्या करना है, पहले लिमिट अप्लाई कर देना है, देखो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके हम जैसे ही देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 / 1 है ना, और क्या आ जाएगी 0 आ रही है ना, इस कंडीशन में क्या आ रही है 0, भाई 0 रखेंगे तो 0/0 ये 0 आ जाएगी, 0/0 है ना, अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है, इसका मतलब मांग रहा है कि एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स हो जाएगा और हो जाएगा लॉग ए बेस ई माइनस का 0 और डिवाइडेड बाई 1, लिमिट अप्लाई कर दो ए की पावर 0 इंटू लॉग ए बेस ई है ना, कितना आ गया भाई लॉग ए बेस ई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ गए, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। 72 के बाद 73 पे आइएगा, 73 74 है ना, ये सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिएगा यहाँ पे 73 है ना, फंक्शन दिया गया है हमें, इस एफएक्स को हम थोड़ा सा, इस एफएक्स को थोड़ा सा सजाएंगे है ना, देखिएगा ये कितना हो जाएगा, हमें क्या करना है, इन्हें तोड़ लेना है, लिमिट को क्या करना है तोड़ लेना है, देखिएगा तो हम एक काम करेंगे, माइनस का हो जाएगा ये कब, एक्स माइनस 3 जब क्या हो हमारे पास, जो x है वो क्या हो 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो है ना, 1 से क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू हो x, और लेस देन हो किससे 3 से, एक तो ये हो जाएगा, और अगर इसके हम प्लस में वैल्यू लेंगे यानी कि x माइनस 3 बस हो है ना, x माइनस 3 तो क्या होगा, ये होना चाहिए जो 3 हो लेस देन इक्वल टू, 3 लेस देन इक्वल टू किसके हो x के, और ये हमारे पास पहले से दिया है x की पावर 4/4 माइनस का 3/2 एक्स प्लस का 13/4, ये कब है एक्स लेस देन 1 है ना, ये याद रखेंगे। चलिएगा अब हमें क्या करना है, एल एच एल निकालना है, पहले फंक्शन की लिमिट, फंक्शन पे निकालो, एफ इज इक्वल टू 1 f1 निकालो, देखो f1 तो ये वाला आ जाएगा निकल के, कितना आ जाएगा 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा इसकी वैल्यू है ना, पहले वाले से इससे 2 आ जाएगी। अच्छा एल एच एल निकालो भाई, एल एच एल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, और ये फंक्शन हमारा आ जाएगा ये वाला एक्स स्क्वायर बाई 4 और बीच में माइनस है, माइनस का 3/2 एक्स प्लस 13/4 है ना, रखेंगे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू 1 रख के इसे कैलकुलेट करेंगे, जब भी आप कैलकुलेट करोगे ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आर एच एल देख लो, आर एच एल इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे कह रहा है ना, तो 1 प्लस हो जाएगा। अच्छा एक से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा है ना, एक से बड़ा है देखो यहाँ पे एक्स जो है एक से क्या है बड़ा है, तो कौन सा फंक्शन यूज आएगा, ऊपर वाला माइनस वाला, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ये माइनस का हो जाएगा एक्स माइनस 3 1 आप पुट करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो तीनों इक्वल आ चुके हैं यहाँ पे, F1 जो है एच एल आर एच एल बराबर आ रहा है एल एच एल के है ना, एल एच एल के बराबर आ रहा है फंक्शन के में, फंक्शन में जो भी वैल्यू है रखने पर फंक्शन की इक्वल आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया भाई, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है ना, x इज इक्वल टू 1 पे क्या है
कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है ना, एन यू ओ यू एस है ना, कंटिन्यूअस है यानी कि सतत है। अब हमें सिर्फ चेक क्या करना है कि ये डिफ्रेंसिबल है या नहीं, है ना। चेक करते हैं यहाँ पे, पहले तो डिफ्रेंशिएट कर लो, तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो ये वन माइनस का वन हो जाएगा। कंडीशन अपना याद रखिएगा कब है ना, ये वन आ जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और ये कितना आ जाएगा भाई, एक्स की पावर कितना दिया गया है, टू दिया गया यार, यहाँ पे टू है ना, यहाँ पे टू है, एक्स की पावर में टू दिया गया है ना क्वेश्चन में, एक्स की पावर फोर दिया गया है। अच्छा चलो फोर दिया गया, कोई बात नहीं, फोर ही रहने दो, फोर ही रहने दो, ठीक है, कट जाएगा ना ये, फोर एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, फोर फोर कट जाएंगे नीचे से, कोई बात नहीं, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है ना, फोर है ये, सॉरी फोर ही है, ठीक है। हमें क्या करना है, हल करना है इसे, तो इसे जब डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो कितना बचेगा भाई, ये एक्स क्यूब बचेगा है ना, यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, एक तो एक्स क्यूब हो गया और माइनस का तीन बटा दो हो जाएगा, माइनस का तीन बटा दो हो जाएगा, कंडीशन इसकी लिख लीजिएगा। चलिएगा अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है एल एच डी, एल एच डी है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वन पे निकालना है, तो कितना आ जाएगा ये देखो, वन पे आ जाएगा, एल एच डी कितना हो जाएगा भाई, तो इसके लिए हम ये वाला फंक्शन लेस देन वन है ना, एल एच डी का मतलब क्या होता है, वन माइनस में रहेगा, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, यानी कि कितना हो जाएगा अब ये, एक बटा कितना है, चार दिया गया था, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब, यानी कि वन आ जाएगा, और वन माइनस का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तीन बटा दो है ना, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये दो माइनस का तीन बटा दो, ये दो घटेगा तो यानी कि माइनस का एक बटे दो आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एफ डैस। अब हमें आर एच डी निकालना है, आर एच डी, आर एच डी है ना, वन प्लस में जाएगा तो यानी कि आर एच डी में कितना हो जाएगा, ये माइनस वन ऑलरेडी दिया गया है, ये आर एच डू एच प्लस वन प्लस के लिए है ना, एक से बड़े के लिए प्लस एक। अब देखो यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, है ना भाई, कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस तो है, लेकिन एल एच डी और आर एच डी दोनों इक्वल नहीं आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ्रेंशिएबल नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफ्रेंशिएबल नहीं है, ठीक है, ठीक है, हाँ कंटिन्यूअस बट नॉट डिफ्रेंशिएबल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 74 यानी कि 74 में कह रहा है, कह रहा है कि हमें निकालना क्या है, कह रहा है कि जीरो से पाई तक के, पाई तक के बीच में क्या है, ये सतत है। देखिएगा हम यहाँ से पाई बाई फोर के लिए चेक कर लेते हैं ना, फॉर एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर। चलिएगा फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऊपर देख लीजिए, थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज पड़ेगी, तो हम लिखेंगे फॉर, फॉर क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर। पाई बाई फोर के लिए हम यहाँ पे एल एच एल निकालेंगे, एल एच एल, तो कितना हो जाएगा, लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई फोर, माइनस का होता है ना, फंक्शन कौन सा यूज हो जाएगा, पाई बाई फोर से छोटा होना चाहिए, एक्स प्लस ए रूट टू फाइन एक्स है ना, डायरेक्ट क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, रख देंगे पाई बाई फोर, 45 रख देंगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई फोर प्लस ए आ जाएगा, रूट टू कट जाएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस पाई बाई फोर, ठीक है। इसी तरह से आर एच एल निकालेंगे, आर एच एल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई फोर प्लस है ना, फंक्शन रख दीजिए इसका, ये कितना हो जाएगा, टू एक्स कॉट एक्स प्लस बी, और ये बन जाएगा टू इंटू पाई बाई फोर प्लस वन हो जाए, इंटू वन हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी प्लस पाई बाई टू, बी प्लस पाई बाई टू। और कंटिन्यूटी क्या कहती है, एल एच एल और आर एच एल दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए है ना, फॉर कंटिन्यूटी एल एच एल और आर एच एल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, आर एच एल और एल एच एल क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ए प्लस पाई बाई फोर इज इक्वल टू बी प्लस पाई बाई टू, ये आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई फोर, और वो ऑप्शन जो सेटिस्फाइड कर जाए इसको वही सत्य हो जाएगा, a माइनस बी यानी कि दोनों को घटाने पे a और b की वैल्यू घटाने पे अगर पाई बाई फोर आ जाए तो सत्य हो जाएगा। हम पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं है ना, रखो यहाँ पे, ये हो जाएगा पाई बाई सिक्स माइनस का पाई बाई ट्वेल्व है ना, कितना आ जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे हम है ना, तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, आप ये वाला b वाला सेटिस्फाइड करवा लो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा प्लस का, दोनों को प्लस कर लीजिएगा,
ये पाई बाई फोर आ जाएगा, पाई बाई फोर पाई बाई फोर के बराबर आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाइड कर लीजिएगा, चलेगा। 75 में कह रहा है एफ एक्स दिया गया है हमें, है ना, और हमसे कह रहा है सतत है, एक्स बराबर दो पर क्या है, सतत है। तो मैंने क्या बताया, सतत होने की कंडीशनें होती है क्या, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट अगर इक्वल आ गई, एक्स टेंस टू टू पे लिमिट इक्वल आ जाए, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 20 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ओपन कर दीजिए यहाँ पे, करना है तो नहीं करना ना करो, चलो यही रहने दो, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। देखो ये 0/0 फॉर्म है ना, दो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, 12 माइनस 16 प्लस के 20, तो 12 और 20 32 हो जाएंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा, प्लस 32 माइनस 32, ऊपर 0 बन गया, नीचे तो 0 है ही, 0/0 की फॉर्म बन रही है, मतलब किसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 2 पे कितनी वैल्यू है भाई, एफ टू कितना, एक के दिया गया है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू टू, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 16 बटे कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, है ना, फिर एक्स करेंगे 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, चलेगा। अभी भी देखो ये 2/2 जो बनेगी, जो फॉर्म है 0/0 की फॉर्म है, आप चेक कर लीजिएगा, हमें फिर से इसे डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। चलिए करिए इसको फिर से डिफरेंशिएट, लिमिट एक्स टेंस टू टू, ये हो जाएगा 6x प्लस का 2 बटे, ये आ जाएगा 2, है ना, रख दो यहाँ पे वैल्यू, कितनी आएगी वैल्यू रखने पे, वैल्यू आ जाएगी 6 × 12 प्लस 2/2, कितना आ गई भाई 7 आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू 7 आ गया, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज हमने डिस्कस कर लिया 75 तक के क्वेश्चंस को, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक बार वीडियो को थम्सअप जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।